नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में छिप कर रह रहा बिहार में ट्रिपल मर्डर मामले का आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। बिहार में हत्या कर दिल्ली में छिप कर रहने वाले ट्रिपल मर्डर के एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। शातिर आरोपी हत्या करने के बाद बिहार से दिल्ली आ गया था और यहाँ छिप कर रह रहा था। उसने दिल्ली में कई बार अपना ठिकाना बदला, लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस ने उसे नोएडा से गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में बता दें कि 11 दिसंबर 2021 में पटना के बाढ़ थाना इलाके में एक विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसमें एक ASI रैंक का पुलिसकर्मी भी शामिल था। DCP रोहित मीणा के अनुसार अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री के पल्स को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसके बाद पंडारा गांव में 11 दिसंबर के दिन हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। दो आरोपियों को पहले से ही बिहार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तीसरा आरोपी दिल्ली NCR में लगातार छिप कर रह रहा था। पहले वह दिल्ली के झरौंदा, फिर बुराड़ी और आखिर में नोएडा में छिपा हुआ था। पुलिस ने सूचना के आधार पर भगोड़ा आरोपी सूरज को नोएडा से गिरफ्तार किया है। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद आरोपी को बिहार पुलिस के हवाले किया जाएगा। गए हुए थे और उसमें करीब 8 से 9 लोग और उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर हाथ लगा के बैठे थे। उन्होंने फायरिंग की, करीब 15-20 से ज़्यादा राउंड फायर हुए, जिसमें 3 लोग की हत्या हो गई। जिसमें जो नव निर्वाचित जो मुखिया थे भोरेलाल यादव उर्फ प्रिया रंजन, साथ ही साथ एक ASI राजेश और एक इंजर्ड हुए लाल बहादुर, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें काफ़ी सारे और एक शार्प शूटर, जिसमें इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो सूरज और बेटी की हमें इन्फॉर्मेशन मिली और इसको हमने आज सुबह हमने नोएडा से इसको अरेस्ट किया है। और साथ ही साथ इसमें हमें पता चला है कि इसमें जो कारण था झगड़े का, वो ये था कि ये नवनिर्वाचित जो हमारे किया थे, इनकी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वहाँ पे अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उसको लेके विवाद था। वहाँ पे कुछ पिलर्स लग रहे थे, तो इसमें एक भोला सिंह गैंग है उसके लोगों ने के साथ एक विवाद हुआ और तभी ये इंसिडेंट को अंजाम दिया गया। इसमें जो अभियुक्त हैं उसकी पहले दो इन्वॉल्वमेंट और है। और रखने वाली बात ये है कि जब ये इलेक्शन हुए लगभग अक्टूबर नवंबर में, तभी इसने फायरिंग भी करी थी और 2016 में भी ये पहले डकैती की योजना में अरेस्ट हो चुका है। मामला काफ़ी सेंसेशनल था और इसमें 3 अभियुक्त बिहार पुलिस ने इसमें पहले अरेस्ट कर दिए। मर्डर कई तरह के इनमें मुकदमे हैं और अभी ये भागे हुए हैं और इनके इनामी मुलजिम भी हैं। ये ट्रिपल मर्डर एक ही साथ हुआ था कि एक उस दिन रात को जब 11 बजे ये शादी के बाहर से निकले थे, तभी ये जब 18-20 राउंड फायर हुए तभी ये हत्या हुई थी। दो लोग मौके पे ही डेथ हो गई थी, दो लोग की, और एक आदमी की उपचार के दौरान। सर, यहाँ पर काफ़ी चर्चित हुआ था ये मामला जो हुआ था ये मामला जी, उसके बाद दिल्ली नोएडा किस लिए कैसे आया शेल्टर के यहाँ पर छिप के पिछले 4 महीने से सर कहाँ कहाँ छिप रहा था? पिछले 4 महीने से इसने अपने आप को काफ़ी छुपा के रखने की कोशिश की। अपनी इसकी पत्नी है कोमल, इनके साथ पहले ये बुलाड़ी में रहा, फिर चढ़ोदा में रहा, फिर इसने हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने इसे नोएडा से अभी हम बिहार पुलिस से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। जब जो गैंग मेंबर्स हैं उन पर रिवॉर्डेड हैं, वो काफ़ी चर्चित मेंबर्स हैं। जो भोला सिंह गैंग है वो काफ़ी चर्चित गैंग है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।